गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो 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 यस सर, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? ओके यस सर, यस सर। तुम लोग की स्ट्रेंथ ही इतनी कम क्यों हो गई है? 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं बस। कोई मुझे इसका एक्चुअल रीजन बताएगा, ये स्टूडेंट कम होने का रीजन क्या है? या तो सबको सब कुछ आ गया है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सब्जेक्ट्स में। तुम लोगों को नोटिस तो तुम लोगों ने देख लिया होगा यूनिवर्सिटी का जो आया है कि तुम लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम्स जो है वो शायद ना हो, पॉसिबिलिटी है। यस सर। हाँ, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि तुम्हारे जो पूरे सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं इसके, तुम्हारे इंटरनल पे डिपेंड करते हैं कि तुम इंटरनली क्या परफॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अगर तुम्हारी अटेंडेंस, असाइनमेंट यही सब कम्प्लीट नहीं होंगे तो तुम्हें मार्क्स कहाँ से दिए जाएंगे? तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो उसको लेकर। मैं तो बस सजेस्ट कर सकता हूँ तुम लोगों को कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो इंटरनली, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, चलो। हम जो है अपनी लास्ट क्लास में पॉइंटर डिस्कस कर रहे थे और हमने कौन सा टॉपिक लास्ट क्लास पढ़ा था, किसी को याद है? पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके, पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर, जिसके ऊपर अभिनव ने शायद हमें एक एग्जांपल बताया था। अभिनव ही था या कोई और था, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो? ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हमने सबसे पहले पॉइंटर डिस्कस किया, व्हाट इज पॉइंटर, सिंपल वर्ड्स के अंदर, जो लोग अगर जिनको क्लियर नहीं है उसके लिए, पॉइंटर एक हमारा एरे होता है, वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर कराता है। जितनी बार क्लास हुई है उतनी बार बताया गया है। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, हम पॉइंटर का यूज़ किस लिए करते हैं? एड्रेस स्टोर कराने के लिए। क्लियर है? फिर हमने कुछ पॉइंटर के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अर्थमेटिक जो तुम्हारा पॉइंटर है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये चार ऑपरेशन जो थे वो हम परफॉर्म कर सकते थे और हमने लैब के अंदर भी इनको परफॉर्म करते थे देखा। क्लियर है? ये चीज़ हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि हम उसके अंदर एक एरे डिक्लेयर करें जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और उनको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसमें एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर? इसको करने के बाद हमने डिस्कस किया एरे ऑफ पॉइंटर के अंदर कि हम कैसे वैल्यूज को चेंज किए बिना उनके एड्रेस के साथ मैनिपुलेशन करके उनकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को स्टोर किया अपने एरे ऑफ पॉइंटर के अंदर और उनके थ्रू उनको एक्सेस किया। फॉर लूप के थ्रू हमने क्या किया, एड्रेस स्पेसिफाई किया, उसके बाद उनको क्या कर दिया, एक्सेस कर लिया। क्लियर है? ये सब चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने पॉइंट डबल पॉइंटर का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, बहुत ही शॉर्ट के अंदर, बहुत ही क्रिस्प एग्जाम्पल था, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा ठीक लगा था वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सब स्टूडेंट को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर से।
ए पॉइंटर टू पॉइंटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया नीचे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसकी एक वैल्यू है, तो जब हम उसका पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास सिंपल पॉइंटर होता है जो कि एड्रेस स्टोर करता है इस वेरिएबल का, क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि एड्रेस स्टोर करा रहा है इस पॉइंटर का, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर, क्लियर है। दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। ए पॉइंटर टू पॉइंटर इज ए फॉर्म ऑफ ए मल्टीपल इन डायरेक्शन और ए चेन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, एक फॉर्म ऑफ ए मल्टीपल इन डायरेक्शन है या फिर चेन ऑफ पॉइंटर्स है। नॉर्मली ए पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, नॉर्मली क्या होता है, पॉइंटर कंटेन करता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। व्हेन वी डिफाइन पॉइंटर टू पॉइंटर, द फर्स्ट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकेंड पॉइंटर विच पॉइंट टू द लोकेशन दैट कंटेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉइंटर। इसमें कह रहा है जो फर्स्ट पॉइंटर होता है वो क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है सेकेंड पॉइंटर के, और जो सेकेंड पॉइंटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को स्टोर कराते हैं, क्लियर है। A variable that is pointer to a pointer must be declared as such. अगर हमने कोई variable declare करना है जो कि pointer to pointer को point कर रहा है तो हम उसको declare करना पड़ेगा firstly. This is done by placing a additional restriction in front of its name. हम double pointer को या pointer to pointer को declare करने के लिए एक extra asterisk sign का use करते हैं। अगर हमें simple pointer declare करना है तो हम क्या करते हैं, int asterisk p, ये मेरा सिंपल पॉइंटर है, पॉइंटर डिक्लेरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर्स, और अगर हमने वहीं पर int और डबल asterisk वेयर, तो ये क्या है, ये है मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर, क्लियर। The following declaration declare the pointer to pointer of the type integer. हमें जिस भी type का variable, जैसे मुझसे कल किसी ने WhatsApp पे पूछा था, तो उसका question वही था, हमने last class में भी discuss किया था इस चीज को कि हम pointer को जब हम increment कर रहे हैं तो वो किस, या फिर pointer को अगर हम address उसका access कर रहे हैं तो वो क्या, कितना address provide करेगा, size कितना होगा उसका, तो ये चीज में तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी कि जब भी हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस होता है मेन हमारा फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप है. इंटीजर टाइप है इसलिए रिटर्न टाइप आएगा, रिटर्न जीरो. मतलब इस फंक्शन में कुछ भी आउटपुट रिटर्न में नहीं किया जा रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पे रिटर्न जीरो स्पेसिफाई कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इंट वेर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेर नाम से, फिर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है पीटीआर नाम से, और फिर एक डबल पॉइंटर डिक्लेयर किया है सा टीपीटीआर. ये वही एग्जांपल है ये भी जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था. क्लियर है? तो डबल पॉइंटर ये क्या है, मेरा नॉर्मल पॉइंटर डिक्लेरेशन है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेरेशन है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, वेर इक्वल टू 3000, वेर के अंदर 3000 वैल्यू को इंसर्ट करा लिया है. फिर क्या है, टेक द एड्रेस ऑफ वेर, एड्रेस क्या किया पॉइंटर के अंदर, जो मेरा नॉर्मल पॉइंटर है उसके अंदर वेर का मैंने एड्रेस क्या करा लिया, स्टोर करा लिया. अब पॉइंटर क्या है, वेरिएबल नाम का, ये जो जब तक तुम्हारे पास उसका एग्जाम्पल नहीं है.
ठीक है। तो अगर तुमसे कभी भी तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट कर कोई कॉन्सेप्ट तुमसे पूछा जाता है कभी वाइवा के अंदर या कहीं पर भी, और तुमसे कोई कॉन्सेप्ट पूछता है कि व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज, तो हमेशा उसको एक छोटा सा सिंटैक्स देकर या प्रोग्राम की हेल्प से उसको डेमोन्स्ट्रेट करो, तो वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। क्लियर? चलो, फॉलोइंग इज अ सिंपल एग्जांपल वेयर वी पास ए अनसाइन लॉन्ग पॉइंटर टू ए फंक्शन। आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर हमने क्या किया है, अनसाइन लॉन्ग पॉइंटर को पास किया है फंक्शन के अंदर, एंड चेंज द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन व्हिच रिफ्लेक्ट बैक इन द कॉलिंग फंक्शन। और हमने बाद में क्या किया है, फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज किया है जो कि हमें कॉलिंग टाइम पे रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है? ये एक हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है। कोई स्टूडेंट है इसको प्रोग्राम समझ में आ रहा हो? जो एक्सप्लेन करना है इसको पसंद करेगा, हैंड रेज कर सकते हो, कोड देख लो, अगर किसी को लगता है कि वो समझा सकता है तो बताओ। हाँ अभिनव, इसमें हमें time dot h जो ये include किया है इसकी मदद से एक function का use किया है, time function का, जो कि total seconds return करेगा। बाकी program तो simple है, यहाँ से सबसे पहले हमने एक function declare किया है जो कि get seconds है, जिसमें हम pass करें unsigned long, unsigned मतलब negative में से कोई की value, उसका नाम है pr pointer pass। हाँ, हमने इसमें pointer pass किया है, जो हमारा concept है passing a pointer to function, हमें उसका example लिया है। तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेयर किया उसमें हमने पॉइंटर पास किया। हाँ, आगे क्या हो रहा है? फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको बाय रेफरेंस उसका एड्रेस हमने पास किया इस फंक्शन में। ठीक है, और इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें ये क्या करता है, जो पॉइंटर हमने पास किया था उसके एड्रेस पे ये स्टोर कर देता है टाइम फंक्शन और बैक डिफरेंस में नल देता है। इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं करता बट टोटल और फिर इस एड्रेस पे वो स्टोर हो जाता है, टोटल सेकंड स्टोर हो जाते हैं जो हमें इससे मिल जाते हैं सेकंड वेरिएबल मेन फंक्शन में, और वो हमने फिर प्रिंट कर दिया। बहुत बढ़िया है ना, कोड को देखकर एक्सप्लेन करना बहुत इजी होता है, बट अगर इनिशिएटिव नहीं लोगे या तो तुम्हें खुद पे डाउट है या फिर इंटरेस्ट नहीं है, दो ही चीजें हो सकती हैं। और भी ना तुम्हारे, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बेस्ट विशेस है, अगर तुम एफर्ट करो तो बहुत पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सर। हाँ, तो मैं अगर डिस्कस कर लेता हूँ हमने क्या रहा क्या है इसके अंदर, हैश इनपुट स्टूडियो डॉट एच, हैश इनपुट टाइम डॉट एच। हम जो जानते हैं हेडर फाइल क्या होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और मेथड्स हैं जिनको हम अपने सिस्टम के अंदर इम्पोर्ट करके उनके फंक्शनैलिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने टाइम डॉट एच, जब टाइम को, अब टाइम के लिए डेट, टाइम, ईयर का जो कैलेंडर का जो फंक्शन है वो हमारे टाइम डॉट एच के अंदर हम एफिशिएंटली प्री एग्जिस्ट करते हैं, उसके मेथड्स और फंक्शनैलिटीज जो है, ठीक है, हम जस्ट उनको से यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें उनका जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर करा क्या है, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पासिंग ए पॉइंटर टू ए फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं पॉइंटर पास कर रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर। तो इसलिए हमने क्या किया है, गेट सेकेंड्स नाम का एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया है, ये मेन से पहले है, डिक्लेरेशन है। इसके अंदर मैंने क्या किया, अनसाइंड लॉन्ग ना डेटा टाइप का मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसका नाम है PAR और एस्ट्रिक के साथ पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया इसका, तो डेटा टाइप क्या है, अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, मेन में चलते हैं, मेन के अंदर हमने क्या किया, अनसाइंड लॉन्ग सेक नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, ये फंक्शन कॉल किया है मैंने, ये क्या है, फंक्शन कॉल, जैसे हम जानते हैं मेन के अंदर हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो हमने क्या किया, गेट सेकंड जो मेरे फंक्शन का नेम है तो उसको कॉल किया है, उसके अंदर एंड सेक पास कर दिया, मतलब जो सेक का जो एड्रेस है वो मैंने इसमें पास कर दिया,
जैसे ये कॉल इसके पास जाएगा, ये जहां कहां जंप करेगा, ये करेगा कि डेफिनेशन पे जंप। तो इसकी डेफिनेशन कहां है, वो है यहां पर। डेफिनेशन में क्या किया जा रहा है, वॉइड वॉइड गेट सेकंड्स अनसन और एस्ट्री पैर। तो इसने क्या किया है, जो सेक का जो एड्रेस है वो किसमें पास कर दिया है, पीएआर जो मेरा पॉइंटर है उसमें पास कर दिया है। और फिर बाद में क्या किया है, PAR equal to time null, जो भी उसकी टाइम की जो वैल्यू है वो दिया है उसने, उसमें पास कर दिया है। गेट द करंट नंबर ऑफ द सेकंड, जो इसमें जो करंट नंबर है सेकंड्स के, वो इसमें कर रहा है इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। और लास्ट के अंदर क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है उस पर की जो वैल्यू है। और लास्ट में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ द सेकंड जो उसका आउटपुट है सेकंड, यहाँ पे एस्ट्रिक्ट पैर है तो वो इसी वैल्यू को जो है वो पास कर रहा है। तो जो एस्ट्रिक के साथ है तो मतलब जो इसकी वैल्यू स्टोर होगी वो सेक के अंदर क्या होगी, वो कैरी अवे होगी तुम्हारे मेन फंक्शन के अंदर और वो उसे करेगा प्रिंट करेगा। क्लियर है, ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टाइम जो लैब होगी हमारे उसके अंदर हम ये सारे प्रोग्राम्स करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम करेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर करेंगे, पॉइंटर टू फंक्शन का करेंगे और नेक्स्ट लैब के जो है अपने प्रोग्राम सभी से मैं क्लियर तो कर देता हूँ। तो मैं एरे ऑफ पॉइंटर करना है, हमें पॉइंटर टू पॉइंटर करना है और पॉइंटर टू फंक्शन करना है। ये तीन प्रोग्राम जो है वो तुम्हारे नेक्स्ट लैब के अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द फंक्शन विच कैन एक्सेप्ट ए पॉइंटर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट ए एरे एज ए शोन इन फिगर। अगर कोई फंक्शन है जो कि एक एरे को क्या बोलते हैं उसे, एज ए पॉइंटर को एक्सेप्ट कर सकती है, वो एरे को भी एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसने एक एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर एक फंक्शन के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम पॉइंटर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये प्रोग्राम तुम लोगों को विजिबल है क्लियरली या नहीं है सर, थोड़ा जूम स्मॉल है, थोड़ा साइज में चेंज कर दो। होपफुली अब तुम लोगों को ये विजिबल हो क्लियर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, हम इसके अंदर जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर पॉइंटर पास किया था एज ए आर्गुमेंट इन फंक्शन, हम इसके अंदर ये कर रहे हैं, हम एक एरे को पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत शॉर्ट के अंदर तुम लोगों को बताया जा रहा है, बट इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है प्रोग्रामिंग के अंदर, फ्यूचर के अंदर। तुम लोग जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक्चुअल जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारे माइंड में सिंपल चीज़ें आती हैं, फंक्शन डिक्लेयर करना, उसमें वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का भी कोई यूज़ नहीं करता है फ्रिक्वेंटली, कॉल बाय वैल्यू का यूज़ होता है। और जहाँ पर इन फंक्शंस को मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर को और पॉइंटर टू एरे को या फिर एरे टू पॉइंटर को, ये जो फीचर्स हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं अगर तुम इनको एफिशिएंटली समझ सको और इनको यूज़ कर सको। चलो डिस्कस कर लेते हैं आगे कि क्या कर रहे हैं इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर। हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सिंपल हमारा एड्रेस फाइल डिक्लेयर की है। एड्रेस फाइल डिक्लेयर की है, उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर किया है हमने, डबल नाम डेटा टाइप है हमारा गेट एवरेज। गेट एवरेज नाम से हमने फंक्शन दिया है, उसके अंदर इंट एस्ट्रिक्ट एर, एक एर नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया है और इंट नाम का एक नॉर्मल वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इंटीजर टाइप के हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है इसके अंदर। क्लियर है, ये डिक्लेरेशन हो गया मेरा।
उसके बाद मेन में चलते हैं. मेन मेरा इंटीजर टाइप है, इंट मेन. और इसमें क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है, इसका पाइप साइज है. इसमें क्या लिखा है, इंट बैलेंस फाइव, और फाइव वैल्यू यूजर्स ने इसको प्रोग्राम के अंदर ही इनपुट करवा दिया, इनिशियलाइज कर दिया डिक्लेरेशन के टाइम पे. तो इसको हम डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं. कि इसके बाद क्या किया है इसने, डबल एवरेज, डबल नाम का हंड्रेड टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एवरेज एवीजे. उसके बाद क्या किया, पास पॉइंटर टू एरे एज एन आर्गुमेंट. तो उसके हमने क्या किया है, एरे के अंदर पॉइंटर के अंदर ये जो मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया था उसमें हमने एरे पास किए. क्लियर है, तुम लोगों को याद होगा हमने जब फर्स्ट प्रोग्राम किया था जिसमें हमने एरे डिक्लेयर किया एरे टू पॉइंटर का, इसके अंदर मैंने वेरिएबल का जो था जो पॉइंटर डिक्लेयर किया था, ओ सॉरी एरे डिक्लेयर किया था वेर नाम से, उसके आगे एस्ट्रिक्ट ओ सॉरी एम्परसेंट वेर किया था जिसको, उसमें एरे पास किया गया था. सेम उसी को यूटिलाइज कर रहा है ये. तो इसमें किया क्या है, इसने जो पॉइंटर डिक्लेयर किया है उसमें इसने एरे को पास किया, जो मेरा बैलेंस नाम की जो एरे है उसको पास किया है, ठीक है. तो इसमें क्या है, avj इक्वल टू गेट एवरेज बैलेंस एंड फाइव. बैलेंस क्या है, मेरी एरे है जिसमें साइज फाइव है, और फाइव क्या है, ये मेरा साइज जो मेरा इनपुट मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया. तुम लोगों को एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी तुम फंक्शन कोई डिक्लेयर कर रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, जिस ऑर्डर के अंदर तुमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है उसी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में तुम्हें अपने वेरिएबल पास करने हैं जब तुम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है. प्रिंट एवरेज वैल्यू एवीजे, उससे लास्ट में उसने किया एवरेज को प्रिंट करा लिया. जैसे ही इसको कॉल जाएगा ये गेट एवरेज बैलेंस, तो ये कॉल किस पे जंप करेगा, मेरे इस फंक्शन पे जंप करेगा. तो इसमें एरे के अंदर बैलेंस को पास करेगा और साइज के अंदर फाइव को पास करेगा, और अंदर क्या है इंटरनल लोकल वेरिएबल क्या डिक्लेयर है इस फंक्शन के अंदर, इंट आई और सम इक्वल टू जीरो और डबल एवरेज, ये सारे इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है. तुमने देखा होगा मेन के अंदर भी एवरेज एवीजे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है, और गेट एवरेज फंक्शन के अंदर भी एवीजे नाम के वेरिएबल का डिक्लेरेशन है. बट ये दोनों ही केसेस के अंदर ये लोकली डिक्लेयर है, जिस फंक्शन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है उसी फंक्शन में इनकी वैल्यू जो लाई करती है. फंक्शन क्लोज होते ही इसका जो स्कोप है जो ब्रैकेट क्लोज हुआ इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है. इसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया आई से लेके साइज तक, और आई का प्री इंक्रीमेंट के साथ में से लूप चलाया. सिंपली हम कर क्या रहे हैं, जो भी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट ऐड करते जा रहे हैं सम नाम के वेरिएबल के अंदर. तो फॉर लूप चला आई से और साइज तक चलेगा, कितने तक, फाइव तक. फाइव साइज है तो जीरो से लेके फोर तक चलेगा ये लूप, और जो वैल्यूज है थाउजेंड टू थ्री सेवनटीन और ये इन सबको कर लेगा, वो एड कर लेगा सम नाम में वेरिएबल. उसके बाद क्या रहेगा, एवरेज इक्वल टू डबल सम डिवाइड बाय साइज, जो इनका टोटल आएगा उनको सम करके डिवाइड बाय साइज. साइज हमने क्या इनपुट दिया, फाइव दिया था, उसे डिवाइड करके और रिटर्न कर देगा एवरेज. तो एवीजे की जो वैल्यू है वो किसमें पास होगी, तुम्हारी इस फंक्शन के आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो एवीजे आएगी, और वो इस एवीजे में पास होगी. ये जो एवीजे है इसका जो स्कोप है वो मेन के अंदर है, ये जो वैल्यू हमें यहाँ से रिटर्न मिल रही है उसका स्कोप जस्ट रिटर्न होने तक, इस वैल्यू के अंदर पास होने तक. तो लास्ट में अगर है वो एवरेज को प्रिंट करा लिया है उसने, तो इसका एवरेज कितना है, 214.400 डबल के अंदर है, इसलिए डॉट के बाद इसकी वैल्यूज आ रही है. किसी को इस प्रोग्राम में समझने में कोई डाउट है, दिक्कत है तो मुझे बताओ, हैंड रेज करो. सर एक दिक्कत है सर, ये एवरेज इक्वल टू में डबल क्यों लिखा है सर, इसमें एवरेज इक्वल टू डबल कहां पर, लास्ट ये वाला. हां यस सर, ये एक्चुअली जो ये एवरेज है ये एक्चुअली यहां पे कंप्यूटेशन कर रहा है. एक्चुअली ये एवरेज इसने यहां पर क्या किया है, सम किया है. जो मैंने एरे यहां पे दी है ना इनपुट, इन सबको सम किया है लूप लगा कर, एक फॉर लूप लगा के. सबसे पहले जीरो वैल्यू आई उसको सम में ऐड किया, फिर टू वैल्यू आई उसे सम में ऐड किया, उन सबको सम में ऐड करा लिया. उसके बाद एवरेज क्या होता है, अगर मेरे को चार नंबर दिए हैं उन चारों के, मतलब 10, 20, 30, 40, ये चार नंबर है, मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन चारों नंबर को ऐड करना है और डिवाइड बाय जितने नंबर हैं, ये करना होता है. तो मैंने क्या किया, पहले सम कर लिया सम को, फिर सम के बाद उसे डिवाइड कर लिया साइज से उसके,
क्लियर है, और उसको वैल्यू को एवरेज में स्टोर करा लिया। सर वो तो समझ आ गया सर, लेकिन कितने एवरेज इक्वल्स टू में सम डिवाइडेड बाय साइज तो गलत आ जाता है सर यहां पे। क्या नहीं आना चाहिए यहां पे? ये डबल क्यों लिखा है? डबल समझ नहीं आया है। डबल डबल एक्चुअली डेटा टाइप डिस्प्ले करने, बट हमें यहाँ पर मैंने सम का भी इंटीजर टाइप दे रखा है और साइज भी जो मेरा क्या है इंटीजर टाइप है, और एवरेज क्या है मेरा डबल टाइप। ये एक्चुअली टाइप कास्टिंग के लिए है। टाइप कास्टिंग होता है जब तुम्हें किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना होता है, तब हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो तुम्हारे दोनों वेरिएबल्स है ना, सम और साइज जो है, ये इंटीजर टाइप के हैं, तो इसने इनका जो आउटपुट है उसको डबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डबल लिखा है इसको। ठीक है, ये इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ा है टाइप कास्टिंग या नहीं पढ़ा है? हमने डिस्कस किया होगा टाइप कास्टिंग पहले, जिस टाइम पे तुम लोगों को वेरिएबल्स डेटा टाइप पढ़ाए थे उस टाइम पे टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा। ठीक है सर, बताया था यूज नहीं करा था। ठीक है, ठीक। तो हाँ, इसको एक एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो टाइप कास्टिंग के लिए, जब हमें कभी भी कोई डेटा टाइप को चेंज करना हो तो उसके आगे हम इससे ऐसे डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या डबल जो इसका आउटपुट आया सम डिवाइड बाय साइज, उसको जो हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू थी उसको एवरेज क्या है मेरा डबल टाइप वैल्यू, तो इसको जो आउटपुट आया वैल्यू उसको डबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया, उसको एवरेज में एवीजी में स्टोर किया और एवीजी की वैल्यू को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन के आउटपुट के तौर पे, और उससे एवीजी को इसने इस एवीजी के अंदर सेव किया और उसको आउटपुट पे प्रिंट करा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो, रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम द फंक्शन इन सी, रिटर्न पॉइंटर का सी प्रोग्राम अलाउड टू रिटर्न ए एरे फ्रॉम ए फंक्शन, सिमिलरली सी अलाउड टू रिटर्न ए पॉइंटर फ्रॉम ए फंक्शन, टू डू सो we would have to declare function return a pointer as a following function. हम C के अंदर pointer को भी return कर सकते हैं जैसे हम function के अंदर array को return करते हैं। क्लियर है, ये तुम लोगों के लिए एज ए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट लैब क्लास के अंदर जब भी तुम्हारी होगी, कल ही होगी तुम लोगों की क्लास, तो उसके अंदर ये तुम लोगों को समय रैंडमली जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे मैं उनसे किसी से भी पूछूंगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, रिटर्न टाइप रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम ए फंक्शन इन सी, इसका एक हमें आउटपुट में प्रोग्राम करना है। ठीक है, ये तुम्हारा जो तुम्हारा कंप्लीट टॉपिक था पॉइंटर का, जिसमें हमने पॉइंटर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। एक बार मैं तुम लोगों को एक पीपीटी शेयर कर दूंगा शाम तक, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा इसको गो थ्रू कर लो, कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर अपकमिंग क्लासेस के अंदर कभी भी उसको डिस्कस कर लो मेरे साथ। ठीक है, चलो आज के लिए हमारी इतनी ही क्लास थी। अटेंडेंस तुम लोगों को मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। चैट में तुम लोगों के साथ मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है सर मेरी मार्क सर मेरी भी माफ कर दो, 021 धूपन काल का सर, 022 धृति की माफ कर दो। ओके, हाँ जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो लीव कर सकते हैं। हर्ष गुप्ता 026, हर्ष हो गई है तुम्हारी मार्क। जीरो 74 सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो लीव कर सकते हैं।